नमस्कार, खुरानास फोरम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे लोग हिंदुत्व को भुनाने में लगे हैं जिनके पहले के चाल चलन या वक्तव्यों से ऐसा लगता है कि दे आर डूइंग इट फॉर देयर पर्सनल गेन्स, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग हों या पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ नेता। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु रिलीज़ हुई है और कुछ साल पहले जब इनकी फिल्म ओ माई गॉड रिलीज़ हुई थी तो उस समय उनका यह वक्तव्य सुनिए। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written ki God says mere ko doodh dena and Hanuman saying mere ko tel dal? I don't understand why are people wasting so much? Ki, I go to temples and things like that, there's so much of waste. Which God has said ki mere upar nariyal phodo? लेकिन राम सेतु या इससे पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रिलीज़ के समय यह मंदिरों में जा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। सो देयर इज़ अ चेंज एंड दैट चेंज इज़ विजिबल। दूसरा उदाहरण लीजिए मनोज मुंतशिर, जो गौरीगंज से जब मुंबई के लिए निकले तो उन्होंने मनोज शुक्ला से शुक्ला हटाकर मुंतशिर रखा, लेकिन अब फिर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में मनोज मुंतशिर शुक्ला ब्रैकेट में ऐड कर दिया है। 2019 में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज होने पर उनका स्टेटमेंट सुनिए। आप तो अमेठी में भी रहे, फिर इलाहाबाद भी मूव हुए और जिस तरह से आप गंगा जमुनी तहजीब का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत ये एहसास है। लेकिन फिर ऐसे ही दौर में जब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है, एक कवि की नज़र उसे किस तरह से देखती है? नहीं, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ़ होती है, और इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि मेरी तमाम यादें इलाहाबाद की हैं। तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरी माँ का नाम किसी ने बदल दिया। मैं तो जब पैदा हुआ था मैं उनको प्रेमा शुक्ला के नाम से जानता था, अब अचानक कल कोई आए और बोले अब इनका नाम सविता है, तो मैं सविता से कनेक्ट कैसे करूँगा? मेरी माँ का नाम प्रेमा शुक्ला है, मैं वही नाम जानता हूँ। तो मुझे नहीं पता क्या इसके पीछे वजह हैं। आप बदले नाम, लेकिन जब तक इलाहाबाद वालों में इलाहाबादी पना बाकी है तब तक सब ठीक है। लेकिन आज शब्दों से खेलने वाले इस राइटर लिरिसिस्ट कवि को जब आप सुनेंगे तो वह हिंदुत्व के बारे में बोल बोल कर आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। और अगर बात करें पॉलिटिक्स की तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल और गुजरात के इलेक्शंस या दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन से पहले यह मांग रख दी है कि इंडियन करेंसी पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो के अलावा गणेश जी और लक्ष्मी जी का चित्र भी प्रिंट होना चाहिए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। उनका मेन मकसद बीजेपी को बैकफुट पर लाने का था क्योंकि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व के बारे में बात करती है, और हिंदुत्व के बारे में आपको आज के मीडिया हाउसेस के एंकर्स इतना ज्ञान देते हैं जिससे शक पैदा होता है कि क्या ये वास्तव में इतने बड़े हिंदुत्ववादी हैं या यह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यह सब कर रहे हैं।